ये सुखी खजूर है सर 40 हज़ार किलो ली आई थी कहेंगे ऐसे इधर तो हम लोग के लिए हाय गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग में हम दिखाने वाले हैं बंगाली मार्केट। बंगाली मार्केट है यहाँ मदीना में जो फेमस है, जो हर सामान जो हम लोग के लिए खास करके मिल जाता है जैसे कम दाम के लिए, तो कम दाम में ही यहाँ पे बंगाली मार्केट पीछे भी देख सकते हैं। बंगाली मार्केट जो है यहाँ से पूरा पीछे व्यू देख सकते हैं। चलिए क्या क्या मिलता है। हालांकि साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये इंटरनल मैक से मैं शूट करता हूँ, तो साउंड का थोड़ा अभी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जितना हो सके भीड़ में दिखाऊंगा। और तो कुछ दिन के बाद मैं इंशाल्लाह मैं शूट होता हूँ, बढ़िया वाला ब्लॉगिंग जो मैच होता है मैं इंशाल्लाह वो परचेस करूँगा। तो ऐसा कोई समझ में यहाँ नहीं आ रहा सऊदी अरब में, हालाँकि ये मैं इंडिया में रहता था तो मेरे को अच्छा मिल सकता था कम दाम में 3 या 5 हज़ार के अंदर, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ कम से कम 15 से 20 हज़ार मैक के लिए जो बढ़िया मैक कलोजिंग के लिए होगा। ये बंगाली मार्केट है, मतलब सारा लेडीज का सामान और भी बहुत सारा चीज़ है। सब अच्छा ऐसे पहने के लिए ना ये जाना होता है। ऐसे इधर तो हम लोग के लिए तो लेडीज़ का सबसे ज़्यादा दिख रहा है, सोचे थे हम अपने लिए कोई चीज़ लेंगे। तो चलिए मैं आगे का तो ऐसा तो कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है हम लोग। ये कौन सी को चाय पिलाने लगे, सारा लेडीज़ का ही है, लेडीज़ और बच्चे। ये खजूर का शॉप है, लगेगी ये सुखी खजूर है सर 40 हज़ार किलो ली आई थी। कौन सा बोल का खजूर, ये मजदूर है 40 रुपये किलो। कौन सा होगा ना सुखी, अच्छा ना है हमारे लिए बहुत बढ़िया है, कोलकाता बस बढ़िया है, सुखल ना ऐसे रो है। ये जितना भी है सारा मेरे को लेडीज का ही रहा, और भी कहीं है कि ये भी खजूर के आगे सपना खुले पिन के रेडी है। अभी तकरीबन यहाँ पे 6 बज चुका है, तो थोड़ा शाम होने वाला है। वो मुस्तफ़ा अल्लल ना यहाँ पे पानी लग जाए चक्रे में अकरम पीछे वाला जमजम वहाँ मक्का कोल के 10-5 रुपये मिलो, यहाँ 10 रुपये मिलो जमजम, यहाँ थोड़ा महंगा है। खजूर दे खजूर में तो ले लेते
हाँ सब पाकिस्तानी होटल हाँ तो ये खजूर भी सब दमदार है ना। चलो हमने के लिए हमरे सेट ये थे सर लेके गए तेरा चादर है खराब ये ना खराब हो ये सब लेके जाओ थी कौन से जैकेट ही तगड़ा जैकेट है ये लोगों को स्लिक ना जैकेट क्यों दे रहे जैकेट लाएगा तू हाँ ये सब खड़ी थे सब चापट हो जाए चलो वहाँ देखो जो तो चलना ये पूरा जो सीधा है ना पूरा जगह बंगाली मार्केट है और अंदर भी है जाकर के लेकिन शाम होने वाला तो मैं अंदर रूम है भूख लगी है क्या रे क्या खाएगा जी इसमें जाकर देखता हूँ कुछ ये भी तो लेडीज के ना लेडीज और बच्चे ही लगे सब बच्चा के है या खाता रही है ना ऐसे डिजाइनिंग के लिए डिजाइनिंग रखने के लिए कौन सी ले लिया बकर है कौन सी का बकर हाँ तो चल बकर ले ले एकदम शाम हो चुका है तो वीडियो को एंड करते हैं ऐसे कोई चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप लोग को मैंने थोड़ा भीड़ दिखा दिया हमारे मार्केट कुछ समझ में नहीं आया चल रहा है और सब करने माहौल जाऊँगा फिर वहाँ जाएगा बेटा इसलिए क्योंकि जैसे ही नहीं सब लेडीज़ का सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्योंकि सब बंदा रखने के लिए आते हैं तो लेडीज़ का सामान ज़्यादा आदमी ज़्यादा खरीदते हैं बाहर इधर मिल जाएगा तो हमें कुछ भी अगर समझ में आएगा तो ले लूँगा तो ऐसा कुछ जेंट्स के लिए था ही नहीं और लेडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे चलिए मैं वीडियो को यही एंड करता हूँ क्योंकि शाम हो गया और मगरिब का टाइम हो रहा है तो मैं इंशाल्लाह दिन अभी मैं फिर रिटर्न जाऊँगा जा कर के नमाज में भी पढ़ना है मगरिब का तो वीडियो को चलिए यहीं एंड करते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।